गाइस, आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग गॉड से मिले थे, और गॉड से मिलने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ट्रीटिंग करके दिया था। और हाँ, हम लोग यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर होके टाइम एंड टाइम कैमरा से यहाँ हम लोग पहुंचे इस लोकेशन पे, कोऑर्डिनेट्स पे। यहाँ पे चेस्ट मिली हमको अनजान सी, और अनजान सी चेस्ट को जैसे ही खोला यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक से, और सामने हीरो ब्राइन हमारे आगे आ गया। और अब आगे तो हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। आपको पता होगा लास्ट टाइम हमारे साथ बहुत गलत सीन हो गया था, और ये हीरो ब्रांड पता नहीं क्या कर रहा है, मेरी बातें सुन रहे सारी हैं, कोई बात नहीं। चलो हम बाहर चलते हैं यार ऐसी, और इधर चलते हैं थोड़ा सा यार ऐसे नॉर्मली हम लोग, और क्या कहते हैं, चल लो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम के आते हैं हम लोग। ओ वो कौन है, पे मुझे कौन हो, कौन हो सर आप, कौन हो? अरे अरे अरे, कौन हो सर आप? भाई मेरे को ना यहाँ पे पता नहीं कैसे किसी ने कुछ किया, आसमान से गिर के पानी के अंदर गिरा। भाई तुमको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे को मारा जा रहा है बार बार, मेरे को कहीं ना कहीं पे डाला जा रहा है, टिपी किया जा रहा है, और मेरे आसपास बहुत सारे स्केलेटन और ये बिजली कड़कना, ये मुझ पर बार बार हो रहा है। मैं यहाँ पे आने के टाइम कितनी बार मरते मरते बचाऊँ यार, प्लीज। तो मेरे साथ भी हुआ था यहाँ पे, बताएं एक वर्ल्ड में इस पंगा है कि कोई भी नया बंदा आता है तो उसके साथ यही होता है। और आप ये ले लीजिए सर, मेरे पास एक किया है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। बट भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? यहाँ पे कौन था? डरिए नहीं, हीरो ब्राइन कुछ नहीं करना, ठीक है ना? जो अभी ये मेरे को बात बता रहे हैं वो तुमने किया था, मतलब जितना भी अभी इनके ऊपर बिजली गिरना, मॉब्स का अटैक पानी में, सब तुमने किया है। बुक फेंकी है इसने, देखते हैं। यस, तो नहीं डरो नहीं भाई, वो मेरा दोस्त है तो आपका भी दोस्त होगा। बट भाई उसने वहाँ पे साइन बोर्ड पे क्या लिखा था तुमने? भाई वापस कब कर भाई, भाई मुझे डर लग रहा है यार। नहीं मत डरो, प्लीज ना डरो भाई, तुम इसके साथ हो, तुम मुझे मार दोगे भाई। मेरे पे ये कैसे देख रहा है, देखो यार। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, ये आप ये लीजिए आप। अरे बट भाई तो फिर वहाँ पे बोर्ड पे ऐसा लिखा था कि यहाँ पे मत आओ वरना मार दिए जाओगे। वो हमारे दुश्मन के लिए है, वो हमारे दुश्मन के लिए था। बट भाई हीरो ब्राइन ही तो दुश्मन होता है। नहीं, यहाँ पे वो हमारा दोस्त है, हमारी हेल्प करने आया है। अच्छा, वो ये बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको अभी घर चलेंगे तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मतलब हीरो ब्राइन हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, मारने वाला कौन है आखिर? हमको मारने वाला क्योर है, जो कि इस समय इस सर्वर में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हीरो ब्राइन से भी पावरफुल? नहीं, हीरो ब्राइन से तो कोई पावरफुल नहीं हो सकता। हम लोग पहले बहुत, मैं बहुत ढीला था, तो इसलिए मेरे को हेल्प करी गॉड ने। गॉड ने इस बंदे को मेरे को भेजा, जिससे कि ये मेरे को थोड़ा ही प्रोटेक्ट कर सक गया। फरिश्ता है। हाँ, मतलब हाँ। अरे, वैसे यार बता देना कि मुझे ना मारे, क्योंकि भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ भाई, पता नहीं सर में क्या हो रहा है। ओ ये कौन है, ये कौन है सामने, ये कौन है, 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 ये छोड़ो इसको रे यार, हीरो ब्राइन कुछ नहीं करेगा भाई, मुझे अकेला छोड़ के चले गए आप भाई। वहां पे घर है, वहां जाओ। मैं उसके पीछे जाऊंगा, नहीं मुझे नहीं जाना, घर पे जाइए, वो मेरा ही घर है। हेलो गाइस, ये अंदर यार, एक सेकंड गवर्नेंस, कौन भाई पता नहीं को से आ रही है भाई। एक हां बोलो, मैं नहीं करना चाहता हूं, सीधे अच्छा, बता दो। तुमने ऐसा पहले भी बोला, वो बंदा अभी मेरे को आज ही मिला। तो हीरो ब्राइन कहां से आए तुम्हारे पास भाई? मैं क्यों बताऊं ये चीज क्यों बताऊं तुमको, कहां से आया तुमको? मैं तुमको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे तुमको हीरो ब्रांड मिला वैसे ही साइड से मेरे को एनटीटी मिला, एनटीटी टीम शूटिंग, एनटीटी भी मिल गया तुमको? हां, क्या हो रहा है? होली शिट, मैं कह रहा हूं दूर रहो वरना मैं एनटीटी को बुला लूंगा, मैं हीरो ब्रांड को बुला लूंगा।
हीरो ब्रायन भाई ये सब क्या हो रहा है यार, ये लोग लड़ रहे हैं इतना जोर जोर से, क्यों लड़ रहे हैं भाई? ओए गवास में भाई, आप कौन हो? ये आप कौन हो भाई? अरे भाई मुझे यहाँ पे पता नहीं कैसे करके टीपी किया गया यार। गवान सच से बताओ, हीरो बैन कैसे मिला तुमको? अरे भाई साहब हीरो बैन, हीरो तुमको ये पहले ये बताओ, तुमको वो कहाँ से मिला, एंटिटी कहाँ से मिला बताओ? मैं नहीं मालूम नहीं, मैं अपने घर पे था, वहाँ पे एंटिटी मेरे सामने समन हुआ था। अरे भाई भाई भाई, उसने मेरे को एक बुक दी, उसमें लिखा था आई वांट टू बी योर फ्रेंड। अच्छा हीरो ब्रायन भाई, हीरो ब्रायन भी मेरे को ऐसे ही मिला, बट गॉड ने मेरे को दिया। भाई एक सेकंड, पहले यहाँ से दूर चलो। ब्रायन तुम्हारे ऊपर खतरा डाल सकता है, मैं वो एंटिटी भी डाल सकता है, एंटिटी और खतरनाक है, नहीं डाल सकता है। तुम अपने घर पे चलो, वहाँ पे सारी बात बताएं। चलो पहले घर चलो मेरे। ये बताओ तुमको मेरे घर की लोकेशन कहाँ से पता चली? मेरे को रैंडम टीपी किया गया है। क्या? हाँ, मैं अपनी माइनिंग कर रहा था, जैसे ही मेरे को डायमंड खोदने के लिए गया वैसे ही टीपी किया। अच्छा तो वो तुमको शायद एंटिटी ने किया होगा, ऑफ कोर्स। एक सामने हीरो ब्रायन, उसको दूर रखो। हीरो ब्रायन मानना नहीं, हीरो ब्रायन मानना नहीं, हीरो ब्रायन मानना नहीं किसी को, ठीक है? मानना नहीं किसी को। वो कौन है व्हाइट शर्ट में, व्हाइट टी शर्ट शर्ट में? बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। ये बताओ मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा, पक्का नहीं मारोगे? तो ही मारो भाई। ये कौन है, मुझे ये बताओ, ये कौन है हीरो ब्रायन भाई जो आया ये? तो भाई पहले अच्छा सुनो, मैं शांति से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बंदा कौन है और चैंपियन कहाँ है? चैंपियन मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ है। मेरे को एनटीटी 360 ने बुक दी है, उसने कहा है चैंपियन इज नो लॉन्गर, वो मर चुका है, वो दूसरे डायमेंशन में। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता, लास्ट टाइम हम मिले थे उसके बाद से वो हमको मिला ही नहीं है। लास्ट टाइम कब मिले थे? जब तुमसे लड़ाई हुई थी तब। उसके बाद से नहीं मिला तुमको? नहीं। और ये पीछे कौन है, ये इसका एक मिला कैसे तुमको? ये जैसे यहीं पे हम आगे जा रहा था वहां मिला, और पहली बात ये बॉय, हाँ बोलिए, यही हमारा दुश्मन है। ओ भाई भाई, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों भाई, मुझे बचा लो भाई, शायद नहीं वो नहीं, वो नहीं मारूंगा, वो नहीं मारेगा क्योंकि मैं हूँ, वो मेरे साथ हीरो ब्रायन है अभी। अगर इसने एक भी चपकाया तो समझ सकते हो हीरो ब्रायन क्या करेगा इसका। हाँ वो बात है, हीरो ब्रायन भाई बचा लेना यार। भाई बात बताओ ये कि आखिर यहाँ पे तुम दोनों कैसे आए? मैं तो यार यहाँ पे ऐसे टीपी हो गया, जैसे पता नहीं जैसे आप आए, हम दोनों लोग, हम तीनों लोग, चैंपियन मैं और ये क्योर, हम सब कौन है ये चैंपियन? ये चैंपियन मतलब हम सब दोस्त थे, हम सब लोगों ने यहाँ पे सीरीज अपनी स्टार्ट करी थी, सर्वाइवल सीरीज हम लोग खेला करते थे, और अचानक हम लोगों को, जैसे आपको टीपी किया गया वैसे हम लोगों को भी यहाँ पे किया गया। अरे यार तो मतलब आप भी मेरी तरह यहाँ पे सर्वाइवल ही हो? हाँ। जो अचानक से गिर चुके हैं, ये बंदा हीरो ब्रायन के साथ क्या कर रहा है अंदर? ए बारा बारा, ठीक है ठीक है, एक सेकंड बुक उठा लूं, बुक उठा लूं। हाँ दो बुक, ओके भाई, क्या बुक में यार ये सब क्या क्या हो रहा है यार, एक बात बताओ मुझे। एक सेकंड, मैं इतना कहना चाहूंगा आपको भी और आपको भी, बोलो ब्रायन एंड एंटीटी 360 बहुत बड़ा खतरा है एसएमपी के लिए, लेकिन के बीच में फाइट हो गई तो ये एसएमपी नहीं बच पाएगी। तो तुम ये चाहते हो कि एंटिटी तुम्हारे साथ रहे, हीरो ब्रायन हमारे साथ ना रहे? भाई हीरो ब्रायन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम कहना चाहता हूँ इन दोनों की, जाओ यहाँ से तुम, बस यहाँ से जाओ बस तुम, नहीं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, आते ही सरों में इसने मुझे मारने की कोशिश की, जाओ यहाँ से। भाई क्या हो रहा है भाई, ये कौन आ गया घर के अंदर से? जाओ यहाँ से, घर में रहते हो? आ गया, अरे यार नहीं मारना था तुम, जाओ यहाँ से, बिल्कुल जा जा यहाँ से तो बिल्कुल। हीरो ब्रायन सर मुझे बुला लो वापस भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो इस वर्ड के अंदर, आपके पास बुला लो वापस से मुझे यहाँ पे। नवराज, नवराज ये बॉय एंड हीरो ब्रायन याद रखना, मैं वापस जाऊंगा, हम भी याद रखेंगे, हम भी आएंगे। हीरो ब्रायन अरे थैंक यू सो मच, हीरो ब्रायन जो तुमने मेरे को मैसेज दिया था
तुमको साइड से मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स याद होंगे, प्लीज वहां पे आ जाओ। ओके हीरो ब्राइन भाई, मुझे आप पे हीरो ब्राइन विश्वास है कुछ स्किल से, प्लीज हीरो ब्राइन जाना नहीं, जाना नहीं ठीक है, जाओगे तो नहीं आपके साथ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाओगे तो नहीं ना, हां बस जाना नहीं बस। ए ये बॉय आप जरा यादी चेस्ट खोलिए, आप अपने लिए आल्बम बना लीजिए जल्दी क्या दे। आप तो बहुत अमीर हो यार, तो ये छोटे से घरों में क्यों रह रहे हो? ये हाँ ये एक तरीके से छुपके भी रह रहा हूँ, और ये जितना भी दिया है प्रिपरेशन के लिए सब हीरो ब्राइन ने मेरे को दिया है, जिससे कि हम लोग जो भी मतलब हम लोग पूरे प्रिपेयर हो सके एकदम मजे के, और फिर क्योर को सबक सिखाना है, और एंटिटी जो हमारे लिए उसने बता दिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, वही बेटर है। नहीं आप मत जाओ वहाँ पे, शायद वहाँ पे और भी खतरा हो सकता है भाई, मैं हीरो ब्राइन मत जाना बिल्कुल भी। जब हम लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद सब लोग साथ में मारेंगे, अकेले आप क्यों जा रहे हो, जबकि हम भी हैं आपके दोस्त, हम भी साथ में जाएंगे, ऐसे नहीं, आप रुक जाओ इधर ही रहो। हीरो ब्रांड को वापस बुलाओ भाई, हीरो ब्रांड को वापस बुलाओ, चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। हीरो ब्रांड वापस आओ, समन करो उनको, हीरो ब्रांड भाई वापस आ जाओ, हीरो ब्रांड वापस आओ जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, मुझे इस बंदे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हेलो हेलो, हाँ हीरो ब्रांड कहाँ चला गया भाई? भाई पता नहीं, शायद वो उसका टाइम हो गया आई थिंक, कहने का मतलब ये है मेरा, वो शायद अभी आता होगा, वो शायद कुछ जरूरी काम करने, कहने का मतलब ये है, वो मैंने उससे कह रखा है कि वो उसके क्योर के ऊपर नजर बनाए रखे। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार देखो मुझे ना बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है अब क्योर से, और ये बॉय और हमको और हीरोइन को एक सबसे पहले एक अंडरग्राउंड बेस, ठीक है इस... मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना तीन चार बेस एक साथ बनाएंगे, फिर अलग अलग जगह पे हम लोग रुकेंगे, क्योंकि और सब जगह हम अपने लिए सिक्योरिटी अच्छी रख लेंगे, क्योंकि भाई हीरो ब्राइन है तो सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई क्योर के बारे में क्या पता, षड्यंत्र रच के हीरो ब्राइन को कैद कर ले तो हो सकता है, वैसे बहुत ताकतवर है लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है भाई, बंदा कुछ भी कर सकता है यार, वो पता नहीं क्या कर रहा है भाई। मुझे एक काम करना पड़ेगा है ना, सबसे पहले मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा, देखो हीरो ब्राइन ने जो अपने जो चीज दिखाई उसमें से मैंने चीजों तो ले लिए, अभी मुझे ना एक काम करना है, वो है कि मेरे को ना एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा मेरे अगर उस वाली एसएमपी में भी, जहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्वाइवल कर रहा था तो, लेकिन आप तो जा नहीं पाओगे, आप जा नहीं पाओगे, मैं फंस गया हूँ यहाँ, हमने बहुत कोशिश करी क्योर, मैंने और हमने बहुत कोशिश करी वापस जाऊँ यहाँ पे, बिल्कुल हम जैसे मान लीजिए अगर आपकी उस एसएमपी में आपके पास डायमंड नेदरराइट सब कुछ हो, लेकिन इस एसएमपी में अगर जो आ गया यहाँ से वापस नहीं जा सकता है तो भाई मतलब, और इस एसएमपी का एक रूल है यहाँ पे बिना कोई दुश्मन एक, और उसके पास अद्भुत पावर होंगे, और ऐसा नहीं है जो अटैकर्स हैं उनके पास नहीं होगी, मतलब जो डिफेंड कर रहा है अभी खुद को डिफेंड कर रहा है वो है क्योर, और हम लोग एक तरीके से अटैकर्स हैं, तो हमारे पास है सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम है हीरो। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, हीरो ब्राइन तो हमारा दोस्त है, हाँ क्योर हम क्योर को मार सकते हैं, लेकिन भाई लेकिन उसके पास एंटिटी है, वो अकेला नहीं है, हम लोगों को प्रिपेयर होना होगा फुल एन्चेंटमेंट के साथ। लेकिन सुनो भाई मुझे क्या लगता है कि हमको ना हीरो ब्राइन को जल्दी से वापस बुला लेना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा उनको कहाँ है वो, तो पहले हम लोग ना एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं, पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, इकट्ठा करते हैं चीजें जल्दी से, ठीक है बेस भी बना लेंगे, लेकिन अभी बेस बनाना शुरू नहीं करते क्योंकि अभी शुरू कर दिया तो शायद वो एंटिटी ने भी और क्योर ने भी हमारे लिए छोड़े होंगे कुछ ना कुछ बंदे जो कि हमें चेक कर रहे होंगे हमेशा। हाँ तो मुझे लगता है, और आपको एक चीज बताता हूँ, ये लास्ट की दो चेस्ट खोलिए ऊपर वाली, आपको रिसोर्सेज पता चल जाएंगे मैंने बेस के लिए इकट्ठा कर रखे हैं, बहुत ही सारा है, तो हमको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है मतलब छुपने वगैरह बनाने के लिए। हाँ। तो हम एक काम करते हैं, अभी शुरुआती तौर पे हम ना पहले नॉर्मली वर्क करते हैं, मतलब बंदों के साथ हमारे हीरो ब्रांड के साथ मैं अच्छे से मिलजुल जाऊँ, उसके लिए मैं कुछ चीजें बनाता हूँ हीरो ब्रांड के लिए, हाँ। तो बना लेता हूँ, वैसे उनको आर्मर की तो जरूरत नहीं है बट लेकिन तब भी बनाना होगा, हाँ क्योंकि हीरो ब्रांड चाहे जितना भी पावरफुल हो
वो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं लड़ सकता ना, वो अगर लड़ेगा तो क्योर के साथ लड़ेगा तो एंटिटीज भी उस पे करेंगे अटैक्स। तो भाई हमको बहुत संभलना पड़ेगा। तो यार मैं चाहता हूँ कि उनको मैं एक डायमंड आर्मर उन्हीं के डायमंड से गिफ्ट कर लूँ, क्योंकि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो नल्ला निठल्ला इस पे आ गया पता नहीं कहाँ। अरे आप अग मेरे साथ हो, मेरे साथ जो भी है वो नल्ला नहीं है, आप देख सकते हैं इतना सारा डायमंड ब्लॉक किस लिया है भाई। यार देखो वो तो बात सही है, लेकिन यार डर तो लगता है भाई। यार मेरे को भी लगता है, हीरो ब्रांड के ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हीरो ब्रांड को भेजा गया है बाय गॉड। हीरो ब्रांड अगर तुम मेरे सुन रहे हो अभी के अभी आ जाओ। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हीरो ब्रांड भाई एक बात बताओ, आप हमारी रक्षा करना, वो तभी हमारे पास है। थैंक यू सो मच हीरो ब्रांड, और भगवान का भी शुक्रिया कि उनको भेजा गया। ये बुक देखी सो मच यार, मैं तो डर ही गया। और सब साथ में रहते हैं ना, हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। और ये हीरो ब्रांड ये लास्ट की दो चेस देखो, हमको बिल्कुल साथ में रहना है। हाँ हीरो ब्राइन भाई हम एकदम साथ में रहेंगे, कोई अलग नहीं जाएंगे हम। क्योर और एंटिटी भी, क्योर के साथ एंटिटी आ गई है 303, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है भाई। बट एक बात बताओ हीरो ब्राइन, अगर हम क्योर और उनके साथ सबके साथ रहे और उन्होंने कुछ किया तो क्या पता वो क्या करेंगे, क्योंकि यार क्योर को दोस्त बना लिया बट आई एम नॉट श्योर कि क्योर अच्छा बंदा है। क्योर किसने कह दिया भाई क्योर को दोस्त बना ली, वो यहाँ हम लोग के पास आ गया कैसे, उसको हमारे घर की लोकेशन भी नहीं पता थी, वो जब हम लोग दूर थे वो बता रहा था मेरे को रैंडमली टीपी कर दिया गया है। तो भाई साहब तो उसकी वजह से उसको हमारी लोकेशन पता चल गई, नहीं तो ये घर की लोकेशन किसी को नहीं पता थे। तो भाई हमको एक शायद एक अलग से अलग शेल्टर बनाना चाहिए। अरे उस गॉड ने मुझे ट्रैप किया था, वो पूरा है, क्योर ने प्रॉमिस किया मेरा रिवेंज लेगा, हम लोग भी लेंगे ऐसा नहीं है। तो क्या तुम क्योर के साथ जाओगे क्या? बा मैं रिवेंज लूंगा तुम्हारे लिए, रिवेंज में लूंगा मैं और ये बॉय। हाँ हम ले लेंगे रिवेंज, कोई टेंशन नहीं है। तुमने क्योर से बात की, लेकिन भाई देखो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा षड्यंत्र खेल रहे हैं, क्योंकि पहले हीरो ब्राइन को बुलाया गया, फिर क्योर से बात करके दोस्ती कराई, एंड अभी अगर हम उसे चलो थोड़ा परेशान करके हम उसको मार भी डालेंगे तब भी क्योर उसको जिंदा कर सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है। सो हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्रिपेरेशन के लिए हमारे पास मटेरियल अच्छा खासा है, बट एक चीज नहीं है क्या? जो कि है फूड। तो चलो ना हम एक काम करते हैं, इस सब साथ रहेंगे प्लीज प्लीज, वो गॉड मोस्ट पावरफुल है, अकेले वरना बहुत हार्ड है। यस वो एंटिटी गॉड जो था वो कह रहा था हीरो ब्राइन को उसने ट्रैप किया, मतलब कि गॉड हद से ज्यादा पावरफुल है। तो आप समझ सकते हैं हीरो ब्राइन को कोई ट्रैप नहीं कर सकता है, लेकिन उसने किया, गॉड है वो एक तरीके से। तो उससे भी हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, उसने कहा हम दोबारा मिलेंगे। और अब आगे गाइस यहाँ पे देखो क्या है, हीरो ब्राइन कुछ कह रहा है हमसे। हाँ देखिए उसका तो वही, जरा मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं हरा पाऊंगा इसलिए एंटिटी के साथ। ओके तो मतलब आप गॉड को हराने के लिए एंटिटी को भी मारोगे, मतलब एंटिटी को भी साथ लेके जाओगे? अरे भाई साहब मतलब गॉड के इतना पावरफुल है तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हमें भी आपके साथ आना पड़ेगा ऐसे। मतलब एंटिटी एक तरीके से तुमने भेजा एंटिटी को, क्योर के पास एंटिटी को तुमने भेजा एक तरीके से। ले ले भाई हम तो चाहते हैं कि दोस्त बने, लेकिन वो बंदा जैसे कि आके पता नहीं मेरे को देख के ऐसे क्यों वो करने लगता है। प्लीज आप सब दोस्त बन जाओ ना, ये बात हमको क्योर को समझानी चाहिए, हम तो अभी भी चाहते हैं क्योर हमारा दोस्त बन जाए। क्योर क्योर को बुलाओ भाई तभी समझ आएगा। चलो हाँ। हम काम करते हैं कल जाके क्योर को मिलते हाँ। पर क्योर से बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हीरो ब्राइन किधर चले गए भाई? आपको बताता हूँ कि सुनो, अरे मेरे पास आ गई वापस से हीरो ब्राइन। ओके बोला हीरो ब्राइन ने। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम सारे के सारे मिलके ना
अपने लिए पहले फूड का जुगाड़ करेंगे। तो देखिए फूड का जुगाड़ करने के लिए मेरे पास सीड खूब सारे हैं, बट एक चीज नहीं है जो कि दिक्कत दे रही है। क्या? वो है फार्मिंग। फार्मिंग में मैंने कर दिया और पता नहीं क्या है, बहुत यहाँ पे कुछ ग्लिच की वजह से यहाँ पे फार्म बताएं बहुत लेट हर चीज हो रही है। ये मेरे को यहाँ पे लगा हुए 2 दिन हो गए हैं। ओ भाई, मतलब कि तो हम एक काम कर सकते हैं, हम वीट की जगह पोटैटो उगा सकते हैं। ओके तो पोटैटो शायद हो गया हमारे पास। एक भी चेकआउट कर लेता हूँ मैं चेस्ट। आप चेकआउट कर लो। हीरोब्राइन, हीरोब्राइन पीछे आना जरा मेरे। तो बहन क्या लगता है ये क्योर का भेजा हुआ बंदा तो नहीं? मैं इसको यहाँ पे टीपी। हाँ यहाँ पे देखते हैं क्या है। क्योर के पास अभी चलो। ओके उस बंदे से कह दिया जाए इसके बारे में। चलो ये बॉय अभी अभी हीरोब्राइन ने कहा है क्योर के पास चलो अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ तो एक मिनट को मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूँ। पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फूड बना लेता हूँ जल्दी से। ये लो आधा फूड ले लो भाई पीछे है। हाँ ओके। अरे वो काफी के पास आ जाती है। मैं वहां हूं तो प्लीज मत डरो ऐसा लिखा। अरे हम डर नहीं रहे यार, प्रिपरेशन। और एक मिनट। हाँ तो भाई चला जाए अब। अभी तो हम लोग ने सारी प्रिपरेशन कर लिया है, फूड भी है हमारे पास। हाँ चलते हैं। चले क्या हीरो ब्रायन? बोल क्यों नहीं रहा? अरे तो गायब भी हो गया वो, शायद वहीं पहुंच गया होगा। हम लोग पैदल चलते हैं। चलो चलते हैं पैदल भगते भगते। भाई अभी मजा आएगा यार, जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो शायद सब सही हो जाए। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्योर के घर के पास आ चुके हैं। भाई ये क्योर का घर है, बिल्कुल फुटस्टेप में तो पता चल जाएगा उसको। बट अभी तो हमारा हीरो ब्रांड भी वहां है ना, कोई डरने की क्या बात है। तो चलो ना एकदम चलते हैं। डरते दौड़ में चलें फिर। चलो ना पूरा बिल्कुल चौड़ में फोड़ देंगे। आओ ना भाई, कहाँ रह गया? अकेले आगे जाने की हिम्मत नहीं है। अरे 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 क्योर घर से बाहर आओ। वहां चुके हैं। बाहर आ क्योर, बाहर आ क्योर। कहाँ है? कहाँ पे है तू क्योर? बाहर आओ, बाहर आओ। अरे हीरो अंदर क्यों है? ये हेलो, तुम लोग कहाँ से आ गए? हमको तुमने मेरे अंदर चले क्या? अंदर चले क्या? बाहर आओ जल्दी, मारेंगे नहीं हम। मार बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं मारेंगे। बाहर आ जाओ, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे हम। डरो मत, नहीं मारेंगे। डरो नहीं, डरो नहीं, नहीं मारेंगे। हीरो ब्रेन बताओ तुमने यहाँ पे हम लोग को बुलाया क्या वजह है? क्या वजह है यहाँ पे? तो बुक फेंकी, पढ़ने जा रहा हूँ मैं। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है जरा पढ़ो। हाँ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है दुश्मन? कौन है दुश्मन हमारा सबसे बड़ा? एविल गॉड। क्योर बताएगा कौन है? एविल गॉड। एविल गॉड। एविल गॉड।